नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज के लेसन में देखते हैं गिटार कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न। बहुत ही पुराना गीत है ये, इतना न मुझसे तो प्यार बढ़ा फिल्म छाया से। इसका संगीत दिया था सलील चौधरी जी ने, लिखा था राजेंद्र किशन जी ने और गाया था तलत महमूद जी और लता मंगेशकर जी ने। बहुत ही पॉपुलर गाना था अपने ज़माने का, इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। बहुत ही सिंपल कॉर्ड्स और बहुत ही सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न है। मैंने इंटरेस्टिंग करने के लिए बार कॉर्ड्स में बजाया है और एक इंटरेस्टिंग तरीके से बजाया है। गाने के एंड में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है, और अगर आप ना बजा पाएँ तो सिंपल तरीके भी दिखाऊंगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। गाने के सारे लिरिक्स और कॉर्ड्स गाने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। और आज का लेसन मेरा साथ दिया है हारमोनिका यानी माउथ ऑर्गन पे अनुराग गंगवार जी। तो आइए देखते हैं इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। आइए देखते हैं गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज किए गए हैं। गाना ए माइनर में है तो ए माइनर, जी, एफ, डी माइनर, सी और इंटरल्यूड म्यूजिक में मैंने एक जगह E7 भी बजाया है। आप अगर ओपन कॉर्ड्स में जाना चाहें तो ए माइनर, जी, एफ, डी माइनर, सी और E7। स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने दो यूज़ किए हैं, मुखड़ा में और अंतरा में, दोनों अलग अलग है। तो मुखड़ा में जो पैटर्न है वो मैंने इस तरह बजाया है, बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अगर आप इसको एकदम सिंपल तरीके से बजाना चाहें तो यूं भी बजा सकते हैं। ये विदाउट म्यूटिंग है, अगर आप म्यूटिंग लगाएं तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने इस तरह से बजाया है। मैं इसको धीरे धीरे बजा के दिखाता हूं। यानी कि जो दूसरा डाउन स्ट्रोक है बजाय इसके कि आप यूं बजाएं, मैंने यूं बजाया है। इसे फैन स्ट्रमिंग कहते हैं, जहां पर आप सारे स्ट्रिंग्स को एक साथ नहीं बजाकर यूं बजाएं। इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको बजाने में तकलीफ हो तो जो मैंने सिंपल पैटर्न दिखाया वो भी बजा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह मुझे अपने सवाल और कमेंट्स भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। शुक्रिया।